बयानबाजी की बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है। और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पूरी जायदाद, वो तो जागीरदार थे, अपनी जागीर ही कोई, वो एक बैरिस्टर थे, वो बहना लाखों कमा सकते थे, वो सब खोया, उनकी पूरी जवानी उन्होंने जेल में गुजारी। बयानबाजी की बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है। भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारे सद्दा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो यहाँ के नकली हिंदुत्ववादी उनसे है, हम 10 साल से वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद वीर सावरकर जी को भारत रत्न ये लोग क्यों नहीं दे रहे? क्या उनका सावरकर प्रेम नकली है, ढोंगी है? ये सोचना चाहिए। वीर सावरकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आदर्श पुरुष कभी नहीं रहे। अब ये राजनीति है इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन ना हिंदू महासभा ना वीर सावरकर उनके लिए शिखर पुरुष रहे। उनके आदर्श, उनके आइडल्स अलग रहे थे, लेकिन शिवसेना और शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी ने हमेशा वीर सावरकर, उनके अखंड हिंदुस्तान का विचार, उनका हिंदुत्व का विचार, उनका हमेशा पुरस्कार किया है। मैं इतना ही कहूंगा। आज मैं इसलिए आया हूं कि राहुल गांधी ने परसों महाराष्ट्र में आकर एक सभा में ऐसा कहा कि वीर सावरकर पेंशन लेते थे और ब्रिटिशों की नौकरी करते थे, वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते थे। ऐसे जो उन्होंने अत्यंत आपत्तिकारक जो सावरकर जी के बयान दिए, उनका जो अपमान किया, उसके विरुद्ध मैं यहाँ आया हूँ। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पूरी जायदाद, वो तो जागीरदार थे, अपनी जागीर ही कोई, वो एक बैरिस्टर थे, वो बहना लाखों कमा सकते थे, वो सब खोया, उनकी पूरी जवानी उन्होंने जेल में गुजारी। ऐसा व्यक्ति, कोई 60 रुपये महीना उनको भत्ता मिलता था और वो भी कानूनन जो 150 रुपये मिलना चाहिए था, स्थानबद्धता था, वो 1960 मिलता था, कांग्रेस वालों को 150 मिलता था, ये सब रिकॉर्ड है। जब उनको कोई व्यवसाय करने की संधि नहीं है तो सरकार को उनको देना पड़ता था, तो कुछ 4,500-5,000 रुपये उनको मिले होंगे 7 साल में मिलके। तो ये कोई भी से सोचेगा कि 60 रुपये के लिए सावरकर, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति गमा दी, वो 60 रुपये के लिए किसी की गुलामी करेगा? और गुलामी करने के रिकॉर्ड कोई खत नहीं, कोई ये नहीं, बस इनके मन में आया, बोल दिया, क्योंकि इनको लगता है मैंने जो बोला वो इतिहास बन गया। इसी गलत फहमी से वो आए, मगर महाराष्ट्र में ये गलत फहमी नहीं चलेगी और सरकार इसके ऊपर पूरा, मतलब अभी हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है तो इसकी तहकीकात करेंगे और पूरा पूरा इसका न्याय होगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट V.D. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की,